वेलकम टू वीआर एकेडमी। दोबारा से आपके पास हूं। आज प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। व्हाट एक्चुअली इज अ प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड एक्चुअली इज एन इंडिपेंडेंट सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज ओनली अ फ्यू जीन्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड बेसिकली 2000 बेस पेयर या उससे कम या उससे थोड़े ज्यादा, मैक्सिमम 3000 बेस पेयर तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए। ये न्यूक्लियर डीएनए से अलग होते हैं और साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। बैक्टीरिया के किसी भी प्लाज्मिड के पास ओरी होना जरूरी है, वरना वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो उसके पास ओरी होती है, उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर जो हम लोग इंट्रोड्यूस कराते थे या पहले से हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहां पर आपको दिख रही है कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। इसी वजह से हम इन प्लाज्मिड्स को सेलेक्ट करते हैं एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट सेल। क्यों? क्योंकि ये जाकर के न्यूक्लियर जीनोम के साथ दे विल मींस अटैच देमसेल्फ टू द न्यूक्लियर जीनोम। अब देखिए, ये बैक्टीरियल डीएनए बेसिकली, इसके अलग से अगर कोई भी डीएनए पड़ा हुआ है सेल के अंदर तब उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हुआ विच इज एक्सेस ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं? जब हमने इस प्लाज्मिड को यहां इंट्रोड्यूस कराया तो ये रेप्लिकेट करेगा, देन इट विल मर्ज एक्चुअली विद द न्यूक्लियर डीएनए। ये इंटीग्रेट हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियर डीएनए एंड वंस इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द न्यूक्लियर डीएनए इट विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग विद द सेल। अब जब इस डीएनए से कोई प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो हम उससे कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके मार्केट भी कर सकते हैं, या फिर इस ट्रांसजेनिक ऑर्गन से हम कोई और काम ले सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से दीज आर द प्लाज्मिड्स दैट वी मेक यूज ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ फिर आऊंगा आपके पास। टिल देन गुड बाय।